बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे पास जो अब हमारे आप लोग की अपकमिंग क्लास है उसकी रिकॉर्डिंग है। सर, मैंने पहले आपको बताया था कि इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम बिल्डिंग को मॉडल करेंगे, उसकी डिज़ाइन एनालिसिस करेंगे यूजिंग SAP 2000। तो आज हम इंशाल्लाह फिर इसको स्टार्ट करते हैं। आपके सामने जो नज़र आ रहा है, ये हमारे पास एक 2 स्टोरी बिल्डिंग है। टॉप हमारे पास उसका रूफ है, वन बेस सिस्टम है। वन बेस से क्या मुराद है कि इसमें हमारे पास मीन्स एक ही हमारे पास वन स्टोरी टाइप हमारे पास उसका बेस है। उसमें हमारे पास जो उसका जो डिज़ाइन हुआ हुआ है या उसका जो हमारे पास एरिया एलिमेंट्स हैं, तो उसमें सिर्फ एक ही एरिया रूम है बेस पर। ठीक है, अगर हमारे पास ये दो होते राइट या लेफ्ट में एक और भी होता तो वो हमारे पास उसमें दो बेस आ जाते हैं। उसके लिए बे का वर्ड यूज होता है, BAY, राइट। तो किस तरह हम एक बिल्डिंग की एनालिसिस करते हैं, किस तरह क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या हमने कौन कौन सी जो हमारे पास प्रीरिक्विजिट्स हैं बिफोर स्टार्टिंग योर एनालिसिस, वो हमने कर रहे हैं, ये आज हम देखेंगे। इसके साथ साथ आज हम सिलेक्शन टूल के बारे में भी बात करेंगे कि किस तरह हम जो है जो हमारे मेंबर्स है उसको हम किस तरह डिफरेंट ऑप्शंस के थ्रू हम उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। जिस तरह आप लोगों ने ऑटोकैड में पढ़ा था कि हमारे पास लेफ्ट राइट सिलेक्शन था, राइट टू लेफ्ट लेफ्ट सिलेक्शन था, ये और भी कई टूल्स थे। तो आज ये भी आज हम देखेंगे कि किस तरह उसको हम जो है उसको आज हम देखते हैं कि किस तरह उसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ये जो लेक्चर है ये आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा, जो आपके पास लेक्चर 4 आपके नजर आ रहा है। इसमें आज हमारे पास बिल्डिंग का हो जाएगा, उसके बाद जो हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा उसमें हम रिटेनिंग वॉल के बारे में, उसको डिजाइन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अभी जो आपके सामने नजर आ रहा है, तो हमारे पास एक 2 स्टोरी एक वन बे सिस्टम में एक बिल्डिंग है। तो हमारे पास जो L उसके साथ COL है, तो वो लेंथ ऑफ द L कॉलम मींस लेंथ ऑफ द कॉलम शो कर रहे हैं, वो अब्रीविएट कर रहे हैं हमारे पास, और वो हमारे पास है 12 फीट। कॉलम की जो डायमेंशन है वो 12 x 18 इंचेस है। ये मैंने ऐसे ही एज्यूम किया हुआ है, हमारे पास कोई जो हमारे पास बाय कैलकुलेशन या बेस्ड ऑन फार्मूला ये हमारे पास नहीं आए। ये हमारे पास जो जो डायमेंशन या उसका क्रॉस सेक्शन आया हुआ है, ये हमारे पास एज्यूम अर्बिट्री मैंने एज्यूम किया हुआ है। ठीक है, लेंथ ऑफ द बीम, एल बीम जो यहाँ पर लिखा हुआ है तो वो हमारे पास है 15 फीट, और एल ग्रिड जो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो वाई डायरेक्शन में हमारे पास ग्रिड की स्पेसिंग है वो हमारे पास है 12 फीट। यहाँ पर सॉरी इसके साथ वो नहीं लगा, साइन उसका नहीं लगा या फिट इसके साथ नहीं लिखा, राइट, वो भी हो गया उसमें। उसके बाद हमारे पास जो स्लैब की थिकनेस है वो 6 इंचज है। आज आप लोग देख लेंगे किस तरह हम एरिया एलिमेंट को स्लैब में डिफाइन करते हैं, किस तरह उसको हम डिजाइन करते हैं। अब तक जितने हम कर रहे थे, मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे पास लाइन एलिमेंट की बात कर रहे थे, कि हमारे पास लाइन एलिमेंट में बीम और कॉलम आ जाते हैं जिसको हम एज ए लाइन मॉडल करते हैं। स्लैब जो हमारे पास है या हमारे पास कभी रफ फुटिंग आ जाती है तो उसको हम क्या करते हैं कि हम उसको मॉडल करते हैं एज अ एरिया एलिमेंट। इसके साथ साथ जो हमारे इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम इसी बिल्डिंग के लिए फिर फाउंडेशन को भी डिजाइन करेंगे। फाउंडेशन हमारे पास कंबाइंड फुटिंग या इंडिविजुअल आइसोलेटेड फुटिंग, या हमारे पास जो है उसको हम राफ फुटिंग भी देंगे, और किस तरह हम उसको स्टेप में करेंगे वो भी हम इंशाल्लाह फिर कमिंग क्लासेज में उसको देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कंक्रीट की जो प्रॉपर्टी इसमें यूज होगी वो 4000 PSI की हमारे पास कंक्रीट है। Fy हमारे पास यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ हमारे पास जो स्टील यूज हुआ है वो 40 KSI है। या उसके बाद हमारे पास है SSD लोड, इसको हम कहते हैं SSD से हमारा बात क्या है कि सुप्रीम पोस्ट डेड लोड। ये हमारे पास कौन सा होता है कि हमारे पास जो हमारे एक तो हमारे पास हमारे मेंबर्स का सेल्फ वेट होता है उसको हम एज अ डेड लोड सिंपल डिफाइन करते हैं, लेकिन उस पे उसके ऊपर हमारे पास फर्नीचर आ गया, उसके ऊपर हमारे पास मड का एक लेयर आया हुआ है, तो कोई और ऐसा मटेरियल आया, चीयर्स आ गई हमारे पास, और चीजें हमारे पास ऐसी आ गई है जो मतलब द टाइम जो जो उसकी जो पोजीशन है या उसको चेंज नहीं हो रही, तो उस केस में हमारे पास क्या होगा कि उसको फिर हम SSD लोड में लेंगे। ठीक है,
उसके बाद हमारे पास लाइव लोड है, वो 70 PS है, हमने लिया इस केस में हमने लिया हुआ है। यह हमारे पास डिपेंड करता है कि हमारे पास कौन सी टाइप की बिल्डिंग है, तो ये उसके मुताबिक वेरी होगा। इसके बाद हमारे पास जो लास्ट वन है पार्टीशन, जो है वो 1 की पर फीट है। पार्टीशन से क्या मुराद है कि आपको पता होगा कि ये हमारे पास अब इस तरह तो पॉसिबल नहीं है कि हमारे पास इस केस में ग्रेड सपोज अगर हमारे पास 2 बेस सिस्टम होगा तो इनके दरमियान जो दरमियान की दीवार है या हमारे पास जो साइड वॉल्स हैं इसको हम किस तरह फिर लगाते हैं, इसको हम फिर वो मतलब हम मॉडल भी कर सकते हैं एज अ एरिया एलिमेंट, लेकिन नॉर्मली जो हम स्टैंडर्ड मतलब जो तरीका यूज होता है करंटली यहाँ पर, तो उसको हम एज अ लोड लाइन लोड ले लेते हैं। लाइन लोड 1 की पर फीट वो हमारे पास इस बीम पर, इस बीम पर, इस बीम में और इस तरह हमारे पास जो नीचे बीम है उनके उसके ऊपर आ जाता है। ठीक है, सॉरी हमारे पास नजर आ गया। तो हमारे पास 3 स्टोरीज बिल्डिंग है, हमारे पास नीचे हमारे पास ग्राउंड स्टोरी है, फिर फर्स्ट स्टोरी, और ये हमारे पास सेकेंड स्टोरी है। तो हमारे पास टोटल तो हमारे पास नंबर ऑफ स्टोरीज है वो 3 है। ठीक है, तो ये हमारे पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज है जिसके थ्रू हम जिसको यूज करते हुए आज हम यूजिंग सैम्प 2000 इसकी एनालिसिस करेंगे। अगेन क्या है कि फॉर द मॉडलिंग ऑफ स्ट्रक्चर शो इन प्रीवियस स्लाइड द फॉलोइंग स्टेप विल बी कैरिड आउट। सबसे पहले जब हमको पता है कि हमने क्या करना होगा कि हमने ग्रिड सिस्टम को डिफाइन करना है, फिर हमारे पास डिफाइंड मटेरियल है, उसके बाद डिफाइंड फ्रेम सेक्शन एंड एरिया सेक्शन, उसके बाद हम ड्रा फ्रेम एंड एरिया सेक्शन वो मटेरियल हम असाइन करेंगे, उसके बाद असाइन जॉइंट एंड लोड्स, रन एनालिसिस, और उसके बाद हम रिजल्ट को चेक करेंगे। ये हमारे पास स्टेप बाय प्रोसीजर यहाँ पर भी हुआ हुआ है, लेकिन आज हम खुद भी उसको गो थ्रू करेंगे, उसके परफॉर्म करेंगे। तो उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने सैम्प 2000 को ओपन किया हुआ है, एक नया जो मॉडल है वो हम ओपन करते हैं। हमारे पास यहाँ पे जो यूनिट यूज हो रखी फीट है, तो अभी फॉर द टाइम बीइंग इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, आगे जाके फिर हम इसको चेंज भी कर सकते हैं और ये हमारे रिजल्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इसकी वजह से। तो ग्रिड ओनली। अच्छा, अगेन हमारे पास जो हम पहले क्लास से आपके साथ में आपको बता रहा हूँ कि हमारे पास नंबर ऑफ ग्रिड लाइंस, तो इस केस में हमारे पास एक्स में हमारे पास जो ग्रिड लाइन है वो 1 और हमारे पास और 1 और ये, तो हमारे पास नंबर ऑफ ग्रिड लाइंस एक्स के केस में हमारे पास कितनी है, वो हमारे पास है 2। वाई के केस में हमारे पास जो ग्रिड लाइन है हमारे पास है वो भी हमारे पास आपको नजर आ रहा है कि वो हमारे पास है 2। ये आप लोग देख सकते हैं, एक हमारे पास हो गई ये और एक हमारे पास हो गई ये। ठीक है, तो x में भी 2 है, y में भी 2 है। z की तरफ बात करते हैं तो हमारे पास z में 1, 2, 3 और 4। तो x और y में हमारे पास जो नंबर ऑफ ग्रिड लाइंस है वो है 2, 2। और y में हमारे पास है 4, तो रिजल्ट में हमारे पास है 4। उसके बाद स्पेसिंग की बात करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं कि जब हम x की स्पेसिंग करते हैं तो x की स्पेसिंग में हमारे पास क्या चीज यूज होगा, वो हमारे पास यूज होगा l बीम। l बीम हमारे पास है 15 फीट और हमारे पास जो उसकी वैल्यू है, क्योंकि एक ही हमारे पास बे है तो वो हमारे पास वही एग्जैक्ट वही लेंगे, तो हमारे पास होगा हो जाएगी 15 फीट। वायर की जब हम बात करते हैं तो वायर की स्पेसिंग हमारे पास ये वाली स्पेसिंग है यहां से लेकर यहां तक, वो एल ग्रिड हमारे पास कितना है, वो है हमारे पास 12 फीट। तो यहाँ से हम वो भी चेंज कर सकते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 12 फीट। उसके बाद हमारे पास जो लेंथ ऑफ द कॉलम है वो हमारे पास क्या है, एल कॉलम हमारे पास है 12 फीट, वो भी हम यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हैं, वो ऑलरेडी हमारे पास बाय डिफॉल्ट 12 फीट ही है, तो उसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। एक बात आप लोगों ने याद रखनी है कि यहाँ पर हम उस केस में सिर्फ स्पेसिंग देंगे अपने बीम या अपने मॉडल की, जब हमारे पास स्पेसिंग जो है वो यूनिफॉर्म हो। जिस तरह आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जब हमारे पास इनके दरमियान स्पेसिंग थी, एल कॉलम था, एल कॉलम थी, एल कॉलम, उन सब के दरमियान जो स्पेसिंग थी वो हमारे पास कितना है, 12 फीट है।
अगर ये वेरी होती, ये टॉप कलर हमारे पास 10 फीट होता, ये 15 होता, ये 16 होता, तो उस केस में हम ये ग्रिड स्पेसिंग यूज नहीं कर सकते थे। उसके लिए फिर हम वो नेक्स्ट स्टेप करते जिस तरह हम पहले करते आ रहे थे कि हम राइट क्लिक करते, उसको ओके कर देते, उसके बाद राइट क्लिक करके, या मैं आपको बता भी देता हूँ, तो मैं ओके कर देता हूँ, ठीक है। अब इस केस में तो हमारे पास जो ग्रिड की स्पेसिंग थी वो तो यूनिफॉर्म थी, कॉन्स्टेंट वैल्यू था, इस वजह से हमने वही टोन्स को स्पेसिंग दे दी। अगर ये ना होता तो यहाँ पर हम इस तरह राइट क्लिक करते हैं और एडिट ग्रिड डेटा, मॉडिफाई शो सिस्टम में आ जाते हैं और यहाँ पर अपनी ग्रिड की स्पेसिंग को चेंज करते हैं और उसको मॉडिफाई करते हैं। लेकिन अभी हमारे पास लकीली हमारे पास क्या सीन है कि हमारे पास जो स्पेसिंग है वो यूनिफॉर्म है और वो कॉन्स्टेंट है, तो इस वजह से हम क्या करेंगे कि वहीं पे उसको जो स्पेसिंग है वहीं वहीं पे उसको दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास, आपको पता है कि हमारे पास क्या है कि हमने मटीरियल को डिफाइन करना है। हमारे पास 4000 PSI के कंक्रीट ऑलरेडी डिफाइंड है और उसके अलावा हमारे पास है 40 KSI का स्टील हमने डिफाइन करना है। तो एड न्यू मटीरियल, यहाँ पास हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट आपको पता होना चाहिए कि मटीरियल टाइप में हम यहाँ पे रिबार को सेलेक्ट करेंगे और 40 KSI के लिए हमारे पास यहाँ पर हम ग्रेड 40 को सेलेक्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर आप तो चेक कर सकते हैं ग्रेड 40 उसके साथ लिखा हुआ है। तो इसी तरह हमारे पास क्या है कि हमारे पास हमारे जो मटीरियल थे वो डिफाइन हो गए। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है, तो क्या है हमारे पास कि सेक्शन प्रॉपर्टीज, सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास क्या है, सेक्शन प्रॉपर्टीज। तो डिफाइन सेक्शन प्रॉपर्टीज, फ्रेम सेक्शन, एड न्यू प्रॉपर्टी, उसके बाद हमारे पास पे कंक्रीट का सेक्शन है तो कंक्रीट रेक्टेंगुलर, कोई थोड़ा स्क्रीनशॉट आ गया है तो इस मॉडल को भी हम सेव करते हैं, तो ये बंद होगा, उसके बाद में दोबारा से स्टार्ट करूंगा। तो मॉडल मैं दोबारा सेट को दोबारा ओपन कर लिया है। तो अभी हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या था कि हम जो फ्रेम की प्रॉपर्टीज है या बीम और कॉलम या एरिया सेक्शन है उसको हम डिफाइन करते हैं। तो डिफाइन, उसके बाद फ्रेम, उसके बाद हम यहाँ यहाँ पे आ गया हूँ। तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि एड न्यू प्रॉपर्टी, हमारे पास जो मटीरियल है जो कि कंक्रीट है, तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है रेक्टेंगुलर, और रेक्टेंगुलर के बाद यहाँ पे उसको हम नाम देंगे कि हमारे पास ये जो मटीरियल हम डिफाइन, सेक्शन जो हम डिफाइन कर रहे हैं वो हमारे पास क्या है, वो है बीम, ठीक है। इससे पहले हम क्या करते हैं कि अपने यूनिट्स को चेंज करते हैं ताकि हमारे पास जब हम उसके डायमेंशन को असाइन करने हो तो उसमें हमारे लिए आसान हो। तो यहाँ पर मैं इंच को यूनिट कर लेते हैं ताकि हमारे पास जब हम उसे क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम या कॉलम डिफाइन करें तो उसमें हमारे लिए इशू ना हो। इसके बाद एड न्यू प्रॉपर्टी रेक्टेंगुलर, और यहाँ पर उसका हम नाम देते हैं कि हमारे पास है बीम। यहाँ पर उसकी जो डेप्थ है वो है 18 inches, हमारे पास बीम की जो डेप्थ है वो 15x15 inch है, तो हमारे पास जो विड्थ और विड्थ और डेप्थ ऑफ द बीम है वो हमारे पास 15 और 15 inches है। उसके बाद 4000 PSI को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। कंक्रीट रिइंफोर्समेंट की जब हम आते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर हमने क्या करना है, उसको कहना है कि ये हमारे पास है बीम। बाकी प्रॉपर्टीज आप लोग अभी छोड़ दें, इंशाल्लाह जब आप लोग खुद प्रैक्टिकल वर्क में आएंगे तो ये प्रॉपर्टीज आपको पता चल जाएंगे किस तरह आप लोगों ने इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है, किस तरह उसको आप लोगों ने यूज करना है, ओके। और हमारे पास जो है बीम जो है वो डिफाइंड हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कॉलम की तरफ, तो COL से हम कॉलम को जो है ना डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। कॉलम की जो हमारे पास डायमेंशन है वो क्या है, हमारे पास 12x18 inches है, तो उसकी जो 12 हमारे पास है उसकी जो है विड्थ, और 18 इंचेस ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट हमारे पास यहाँ पे वैल्यू है, तो उसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। कंक्रीट रिइंफोर्समेंट ऑलरेडी हमारे पास कॉलम जो है वो सेलेक्ट हुआ हुआ है, तो उसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। और ये हमारे पास बीम और कॉलम जो हमारे पास फ्रेम एलिमेंट्स थे उसको हमने डिफाइन कर दिए। इसके बाद हमारे पास
पॉइंट आता है कि हमारे पास हमने एरिया एलिमेंट को डिफाइन करना है, तो डिफाइन सेक्शन प्रॉपर्टीज और एरिया सेक्शन। इसमें हमारे पास एड न्यू सेक्शन और उसको हम नाम दे देते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है स्लैब। स्लैब अगर आप लोग अब देख लें तो हमारे पास स्लैब के लिए हमने क्या है, कौन सी डायमेंशन रखी हुई है, तो उसकी हमारे पास जो डेप्थ ऑफ द स्लैब है, स्लैब थिकनेस है, वो हमारे पास है 6 इंचेस। तो यहाँ पर हमारे पास क्या करते हैं कि हमारे पास 6 इंचेस यहाँ पर हम रख देते हैं, ठीक है। बाकी जो प्रॉपर्टीज है यहाँ पर आप लोग देख लें कि हमारे पास शेल 3, ये मैं आपको रिलेप शीट पे भी आप लोग तो देख लेंगे, बता दूंगा कि आप लोग सर्च कर लें कि हमारे पास शेल 3 क्या होता है, शेल थिक क्या होता है, प्लेट थिन, प्लेट थिक, मेम्ब्रेन और शेल लेयर, जो सब प्रॉपर्टीज है आप लोग इसमें नोट नोट भी कर लें कि आपके पास, मैं आपको रिलेप शीट डिफाइन कर लूँगा आपके LMS पे कि इसको आप लोग देख लें इसमें कि हमारे पास ये क्या क्या है और क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर हम उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं जो भी आपके साथ आपको उसमें बेहतर लगे, तो यहाँ से हम कलर भी अपने एलिमेंट का, अपने सेक्शन का, अपने मेंबर का वो मॉडिफाई कर सकते हैं। और हमारे पास यहाँ पर कोई भी प्रॉपर्टीज नहीं, कीप इट इन माइंड कि हमारे पास जो स्लैब है उसको हम एज अ शेल 3 जो है ना वो मॉडल करते हैं, उसको हम एज अ शेल 3 वो डिजाइन करते हैं, ओके। तो हमारे पास जितने भी हमारे मेंबर थे, बीम था, कॉलम था, स्लैब था, वो हमारे पास डिफाइन हो गए हैं। नेक्स्ट स्टेप आपको पता है कि हमारे पास क्या है कि हमने सेक्शन को डिफाइन करना, मटेरियल को असाइन करना है, ठीक है। तो मटेरियल हम किस तरह असाइन करते हैं ये आप लोग देख लीजिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं ये यूनिट को चेंज कर लेता हूँ कि फीट कर लेता हूँ, तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे पास कौन सी लेवल हमारे पास है, 36 पे है, तो 12 और 12, तो हमारे पास जो टॉप हमारी स्टोरी है उसके लेवल पे है, और ये आपके सामने जो नजर आ रहा है ये हमारे पास रूफ का लेवल है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि जब यहाँ पर मेरा कर्सर होता है तो हमारे पास जो 3D व्यू है वो हमारे पास हाईलाइट कर रहा होता है कि हमारे पास हम यहाँ पे टॉप स्टोरी पे हैं, ठीक है। ये जो है यहाँ से मैं यहाँ पे आ गया हूँ, तो यहाँ पर आप जो हमारे पास लेफ्ट साइड में भी देख सकते हैं कि वो ग्रिड पॉइंट शो कर रहा है, तो हमारे पास क्या है कि मैं टॉप हमारे पास जो रूफ है उस पॉइंट पर, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे कि मैं हमारे पास जो बीम जब हम असाइन करेंगे तो सबसे पहले हम टॉप जो रूफ है उसको असाइन कर लेंगे, उसके बाद जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि आज हम जो बाकी सिलेक्शन टूल है उसके बारे में बात करेंगे, तो रिप्लिकेट एक कमांड है जो आज हम आगे आगे हमने पढ़ना था, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह रिप्लिकेट कमांड जो है वो यूज होता है, ठीक है। तो मैं आ जाता हूँ हमारे पास मटेरियल असाइनमेंट की तरफ, और यहाँ पर हमारे पास जो सेक्शन है उसमें ऑलरेडी हमारे पास बीम जो है वो डिफाइंड है, राइट। तो ये हमारे पास बीम हो गया, उसके बाद हमने क्या असाइन करना है, हमने फ्रेम भी, कॉलम जो है वो भी असाइन कर लेते हैं ताकि हमारे पास कंप्लीट जो मेंबर एक स्टोरी है वो असाइन हो जाए, ताकि आगे हमारे पास जब हम उसको रिप्लिकेट कर सकें तो हमारे लिए उसमें आसानी हो, ठीक है। यह हमारे पास हो गया। अब हम आ जाते हैं जिस तरह मैंने आपको स्टार्ट में अभी पहले बताया था कि हम रिप्लिकेट कमांड यूज करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास रिप्लिकेट कमांड के थ्रू किस तरह हम आसानी से मटेरियल को असाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ कि जो हमें जितना भी अभी हमने मटेरियल असाइन कर दिया उसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये हमारे पास एक कॉलम उसमें कंट्रोल सेट की वजह से उसमें जो है ना वो रिमूव हो गया, दोबारा मैंने उसको असाइन कर दिया है। इसके बाद ये मेंबर जो है उसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और हम रिप्लिकेट कमांड की तरफ जाते हैं कि किस तरह रिप्लिकेट कमांड जो है वो काम करता है। यहाँ पे अब इस पॉइंट को हम देख लें कि इस वक्त हम जो है वो अपने टॉप स्टोरी पर हैं, तो अगर हमने रिप्लिकेट करना है, रिप्लिकेट का मतलब क्या है कि उसको हम कॉपी करेंगे, बिल्कुल इसी तरह हम नीचे भी इसका जो वो है उसका एरे बनाएंगे, उसको जिस तरह आपने आप लोगों ने कॉपी कमांड या मिरर कमांड आप लोगों ने पढ़ा था ऑटोकैड में,
तो बिल्कुल उसी तरह ये रिप्लिकेट कमांड भी काम करता है, और नीचे हमारे पास स्टोरीज हैं उसको ये मटेरियल जो है वो बहुत आसानी से असाइन कर देगा। मतलब क्या है हमारा मेरा कि विदाउट डूइंग हमारे पास हर मेंबर को आप सेपरेट जो है मटेरियल असाइन करें, हम रिप्लिकेट कमांड के थ्रू उसको आसानी से कॉपी कमांड की तरह उसको असाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो मेंबर्स जो हमारे पास डिफरेंट मेंबर्स थे वो मैंने सेलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं एडिट, एडिट के बाद हम आ जाते हैं रिप्लिकेट में। अच्छा, इसमें अब हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है कि हमने कौन से डायरेक्शन में उसको रिप्लिकेट या उसकी कॉपी लेनी है। ठीक है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि हमारे पास एक डी एक्स है, डी वाई है और डी जेड है। ठीक है, डी एक्स का मतलब क्या है कि हम आप लोग यहाँ भी देख सकते हैं, ये हमारे पास x है, ये y है और ये ऊपर हमारे पास z है। dx हम कब करेंगे कि हमारे पास ये कॉलम हमने साइन किया हो और इसको हमने साइन करना हो, तो dx में कोई वैल्यू दे देंगे जिसके थ्रू हम यहाँ पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, dy हम कब यूज करेंगे, जब हमने ये साइन किया हो और ये वाला कॉलम हमने रिप्लीकेट के थ्रू उसको साइन करना हो, तो dy में। और चूंकि अभी इस केस में हम डी जेड दे रहे हैं, और डी जेड भी ऐसा कि हमने टॉप स्टोरी को ऑलरेडी दिया हुआ है, हमने नीचे स्टोरी में जाना है। ठीक है, तो नीचे स्टोरी में जाने के लिए सबसे पहले आप लोगों ने याद रखना है कि हम नेगेटिव का साइन यूज करेंगे, हम सेफ को ये बताएंगे कि हमने डाउनवर्ड जाना है। ठीक है, उसके बाद वैल्यू हमने कौन सी देनी है। ठीक है, अभी इस केस में आपको पता है तो हमारे पास जो स्टोरीज की हाइट है, हमारे पास जिस तरह फिट स्पेसिंग में आप लोगों ने देख लिया वो कितनी, वो हमारे पास है 12 फीट। तो यहाँ पर हम -12 की वैल्यू लगाते हैं, हम उसको ये बताते हैं कि आप 12 फीट पर उसकी कॉपी ले लें। अब पॉइंट क्या है कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ कॉपीज हो, तब हमारे पास जो हमारे मेंबर्स होंगे वो हमारे लिए जो मटेरियल होगा वो सब पे असाइन हो जाएगा। तो इस केस में हमारे पास ऑलरेडी एक हो चुका है, तो 2 और 3, तो टोटल हमारे पास 3 जो है वो उसने करना है। कीप इट इन माइंड कि जब यहाँ पर हम नंबर नंबर देंगे तो एक जो ऑलरेडी असाइन हो चुका है एक वो हो जाएगा, और उसके अलावा वो हमारे पास बाकी जो हमारे पास हैं वो हमने असाइन करना है। तो इस केस में हमारे पास 2 आ जाएंगे, फर्स्ट स्टोरी पे ऑलरेडी हमारे पास हो चुका है और 2 और हमने उसमें असाइन करना है। ठीक है, तो आप लोगों ने देख लिया कि किस तरह हमारे पास हमारे बीम और कॉलम को किस तरह डिफरेंट स्टोरीज में रिप्लिकेट कमांड के थ्रू उसने असाइन कर दिया। ठीक है, अब एक और कमांड भी है कि हम जो है वो ग्रुप कमांड के थ्रू भी उसको असाइन कर सकते हैं, और आप लोग देख लेंगे कि ग्रुप कमांड के थ्रू भी, जिस तरह आपको पता है जब हमें स्टार्ट में अपनी स्टार्टिंग क्लास में मैं बताया था कि ग्रुप कमांड भी हमारे पास एक ऑप्शन है जिसके थ्रू हम सिलेक्शन कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम मटेरियल को असाइन भी कर सकते हैं। या मैं अभी आगे अभी आपको बता दूंगा किस तरह ये हमारे पास काम करता है। ठीक है, तो अभी हमारे पास क्या ऑप्शन है कि हमारे पास बीम और कॉलम हो गए। नेक्स्ट हमारे पास स्टेप क्या है, हमने एरिया एलिमेंट को है जो है वो असाइन करना है। ठीक है, तो एरिया एलिमेंट के लिए हम एक्स वाई में आ जाते हैं। ठीक है, ऑलरेडी हम एक्स वाई में थे, इसको मैं 3D में कर लेता हूँ। ठीक है, अच्छा, एक्स वाई के लिए एरिया एलिमेंट के लिए आप देख सकते हैं कि हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शंस है। या हमारे पास क्या है कि ड्रा पॉली एरिया, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ऐसा स्लैब है जिसमें हमारे पास रेक्टेंगुलर उसका शेप नहीं है, उसमें कोई दरमियान में कोई ऐसा पॉइंट या मल्टीपल पॉइंट ज्यादा आ रहे हैं जिसके नंबर ऑफ पॉइंट हमारे पास 4 से ज्यादा हो, तो उस केस में जब हम उसको असाइन करेंगे तो हम पॉली एरिया के थ्रू असाइन करेंगे। इसमें हमारे पास रेगुलर शेप ना हो तो तब हम ये ऑप्शन यूज कर सकते हैं। उसके बाद क्या है कि हमारे पास ड्रॉ रेक्टेंगुलर एरिया डायरेक्टली उसने कह दिया, तो इसको भी थ्रू हम जो है ना वो क्या करते हैं, हम यूज कर सकते हैं। ये हमारे पास ऑप्शन अभी काम नहीं कर रहा, तो अभी हम आ जाते हैं कि हम किस तरह रेक्टेंगुलर एरिया के असाइन करते हैं। सही है, तो इस केस में सबसे पहले हम एक पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हमारे पास
जो लास्ट पॉइंट है उसको सिलेक्ट कर लेंगे और इसके थ्रू हमारे पास जो एरिया था वो हमारे पास सेलेक्ट हो जाएगा, सॉरी असाइन हो जाएगा। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट अगेन हमारे पास रिप्लिकेट कमांड यूज करेंगे। मैंने सेलेक्ट कर दिया, एडिट में आ गया, एडिट रिप्लिकेट, और रिप्लिकेट का कमांड यूज करेंगे और उसको अगेन उसी तरह करेंगे जिस तरह हमने पहले किया था, और उसके थ्रू मटेरियल को हम डिफरेंट स्टोरेज में असाइन कर देंगे। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो हमारे प्रॉपर्टीज थे वो असाइन हो गए। अभी आप अगर उसको हम मोर बेटर व्यू में चेक करना चाहें तो हमारे पास ऑप्शन है एक, हमारे पास है एक्सट्रूड व्यू। ठीक है, तो आप यहाँ पे आ जाएं सेट डिस्प्ले ऑप्शन में, डिस्प्ले ऑप्शन में हमारे पास जनरल ऑप्शन में आ जाए और उसमें आप उसको एक्सट्रूड कर लें, यहाँ पे एक्सट्रूड कर लें और यहाँ पर जो फील्ड ऑब्जेक्ट है यहाँ ये इसका जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट कर लें और उसको अप्लाई कर दें। सॉरी ये क्योंकि हमने पहले वाले इस पे किया था तो इस दूसरे वाले पे हम करते हैं सेट डिस्प्ले ऑप्शन जनरल एक्सट्रूड फील्ड और अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो बीम कॉलम और एरिया एलिमेंट्स थे वो इस तरह हमारे पास असाइन हो गए। हमारा बिल्डिंग जो वन बेस सिस्टम था, एक थ्री स्टोरी बिल्डिंग था और उसको हमने डिफरेंट जो मटेरियल थे, डिफरेंट सेक्शन थे वो असाइन कर दिए। अभी अगर आप लोग देख लें तो इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, एक मसला आ जा गया है कि हमारे पास जब हम उसमें मटेरियल असाइन कर रहे थे तो उसमें ऑप्शन क्या आ गया कि हमारे पास, या आप देख सकते हैं कि कॉर्नर को यहाँ पे देख लें कि एक बीम का कॉर्नर और दूसरे बीम का कॉर्नर हमारे पास अप टू द एज हमारे पास मिले नहीं। ठीक है, ये ऑप्शन ये जगह देख ले कि हमारे पास ये जगह खाली है, ये जगह भी खाली है और ये जगह भी खाली है। ठीक है, तो इस इश्यू को काउंटरैक्ट करने के लिए हमारे पास है इंसर्शन पॉइंट कमांड। ठीक है, ये इशू हमारे पास क्या है, यहाँ पर भी आप लोग इसको अच्छी तरह देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, एक हमारे पास कॉलम ये है तो जो हमारे पास, एक मिनट, लेट्स सपोज ये हमारे पास कॉलम है तो हमारे पास जो हमारा बीम है वो किस तरह उस पर आ गया है, किस तरह हमारे पास इंसर्शन पॉइंट का जो मसला आ रहा है, मतलब हमारे पास जो कॉलम मटेरियल हमने साइन किया हुआ है किस तरह आ रहा है कि हमारे पास एक सेक्शन का जो हमारे पास सेंट्रोइड है दूसरा सेक्शन के सेंट्रोइड के साथ मिला हुआ है। ठीक है, मतलब मेरा क्या है कि नॉर्मली बाय डिफॉल्ट जो सेव जो है वो काम करता है, वो किस तरह काम करता है कि एक सेक्शन को एक सेक्शन का जो हमारे पास सेंट्रोइड है दूसरे सेक्शन के सेंट्रोइड के साथ उसको मैच कर देता है, उसको मिला लेता है। तो नॉर्मली जिस तरह काम होता है कि हमारे पास ये तो होना यही चाहिए था कि ये कंप्लीट हमारे पास उसके एज तक आ जाता, लेकिन इसमें हमारे पास नहीं आया। तो अभी हम क्या करेंगे कि हमारे पास एक कमांड यूज करेंगे जिसको हम कहते हैं इंसर्शन पॉइंट कमांड, और उसको हम क्या करेंगे कि उसको हम एज तक लाएंगे। ठीक है, ये पॉइंट बहुत जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि सेप में जो हम बाय डिफॉल्ट जो मटेरियल असाइन करते हैं ये आपके पास जो हम प्रीवियसली भी करते आ रहे हैं उसमें मैंने इस वजह से नहीं बताया कि वहां पर हमारे लिए जरूरी नहीं था। अब जो सेप है उसको हम बेंडिंग मोमेंट या शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए तो यूज नहीं करते, चूंकि हम उसको बिल्डिंग में मैक्सिमम यूज करते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर मैंने आपको उसमें बता दिया कि हमारे पास नॉर्मली बाय डिफॉल्ट जो मॉडलिंग करता है सेफ, तो उसमें हमारे पास एक मेंबर का और दूसरे मेंबर का सेंट्रोइड जो है वो मिल जाता है। फॉर एग्जांपल जो इस मेंबर का सेंट्रोइड है कॉलम जिसको आप कह दें वो हमारे पास ये है और दूसरे मेंबर का सेंट्रोइड ये है, तो ये पॉइंट जो है वो हमारे पास मिल गया। ठीक है, हमें क्या चाहिए कि हमारे पास हमारा कंप्लीट एक मेंबर बीम जो है वो कंप्लीटली कॉलम के ऊपर आ जाए, और उसको काउंट करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम इंसर्शन पॉइंट कमांड को यूज करते हैं। ठीक है, तो अभी आप लोग देख लेंगे कि किस तरह इंसर्शन पॉइंट कमांड काम करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास ऑलरेडी क्या इशू आ रहा है कि ऑलरेडी हमारे पास इसमें हमारे पास ओपन स्पेस आ रहा है, वो हमारे पास जो बीम एंड कॉलम है वो हमारे पास
सही से नहीं मिले जिस तरह हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, वो हमारे पास यहाँ पर भी आपको सही नजर आ गया, इसमें तो क्लियर नहीं है। तो आपको पता चल गया कि हमारे पास किस तरह हमारे पास जो इशू था, इंसर्शन पॉइंट कमांड हम क्यों यूज करते हैं, उसको भी हम आगे देख भी लेंगे। या अब यहाँ पर आप तो बहुत अच्छी तरह देख सकते हैं कि हमारे पास नीचे हमारे पास कॉलम है, ये हमारे पास बीम है और दूसरा हमारे पास ये बीम है, तो कोने में जो हमारे पास एरिया है वो खाली रह गया। ठीक है, मतलब एक बीम दूसरा बीम या एक बीम दूसरा कॉलम कंप्लीटली एक दूसरे के ऊपर नहीं आए, उसमें एक स्पेसिफिक पोर्शन ऐसे ही रह गया। ठीक है, तो इस इश्यू को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम जो है वो इंसर्शन पॉइंट कमांड को यूज करते हैं। इंसर्शन पॉइंट कमांड के लिए हमेशा याद रखें, इसको यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ से सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अपने कॉलम को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, एक साइड के कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद हम इंसर्शन पॉइंट कमांड जो है उस पर अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, आप जब मैं इंसर्शन पॉइंट कमांड अप्लाई करूंगा तो काइंडली इस एरिया को जो हमारे पास लेफ्ट साइड में आपको एक्स वाई प्लेन नजर आ रहा है, तो इसको देखिएगा कि किस तरह हमारे पास ये जो पॉइंट है किस तरह एक दूसरे के साथ मिलते हैं, या किस तरह जो इंसर्शन पॉइंट कमांड है किस तरह काम करता है। राइट, तो हमने जब एक साइड हमारे पास जो कॉलम थे उसको सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद हम आ जाते हैं साइन की तरफ, साइन फ्रेम के बाद हम आ जाते हैं इंसर्शन पॉइंट। अच्छा, अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हमने यहाँ पे क्या सेलेक्ट करना है, उसको क्या कौन सी क्या क्या और क्या क्या यहाँ पर हमने इसको वैल्यू देनी है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाई डिफॉल्ट इसने जो है वो सेंड्रॉयड को सेलेक्ट किया हुआ है, तो इस वजह से हमारे पास जो है जो साइड में हमारे पास जो मेंबर है उसमें हमारे पास एक ओपन स्पेस रह गया है। ठीक है, यहाँ पर जो हम काम करेंगे वो हमारे पास है लेफ्ट साइड के लिए हमारे पास टॉप लेफ्ट या टॉप राइट, जो हमारे पास 7 और 9 नंबर के ऑप्शंस हैं इसको हम देखेंगे, और आप लोग देख लेंगे कि टॉप लेफ्ट मैंने सेलेक्ट कर दिया है और अप्लाई कर दिया। अच्छा, टॉप लेफ्ट के अप्लाई करने से हमारे पास अभी जो है वो और भी हमारे पास वर्स्ट कंडीशन में चला, हमारा जो फ्रेम है वो चला गया है, तो अभी हम यहाँ पे आपको मैं दिखा भी दूंगा कि हमारे पास क्या सीन टॉप राइट के टॉप लेफ्ट की वजह से आ गया है। मैंने क्लोज कर दिया है। टॉप राइट उसके ऊपर क्या क्या हुआ है कि और भी उसको जो है और भी उसको पीछे कर दिया है, और भी हमारे पास बिल्कुल उसकी एज पे हमारे पास जो हमारे मेंबर थे वो जो है वो सिलेक्ट कर दिया है। तो मतलब हमारे पास क्या है, जब हम लेफ्ट साइड में काम करेंगे तो हम जो जब हम लेफ्ट साइड में काम करेंगे तो हम टॉप राइट जो है वो सिलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ पर मैं प्रीवियस सिलेक्शन कर लेता हूँ, तो हमारे पास इसको सेलेक्ट कर दिया, तो अगेन हम क्या करेंगे कि हम कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे। तो हमारे कॉलम अगेन में सेलेक्ट कर दिया है, इसके बाद हम आ जाते हैं साइन फ्रेम इंसर्शन पॉइंट, और यहाँ पर हमने चूंकि लेफ्ट साइड में काम किया था तो यहाँ पर हम काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि टॉप राइट करेंगे और उसको मैंने अप्लाई कर दिया। मैं प्रीवियस सिलेक्शन की तरफ जाता हूँ। तो प्रीवियस सिलेक्शन के अभी हमारे पास, अब मैं आपको दिखा दूंगा कि हमारे पास किस तरह जो हमारे मेंबर्स थे किस तरह एक दूसरे के कंप्लीटली उसके ऊपर आ गए, और जो हमारे पास इंसर्शन पॉइंट कमांड था किस तरह उसने हमारे पास काम कर दिया है।
तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि हमारे पास इंस्ट्रक्शन पॉइंट कमांड जो है वो किस तरह काम करता है। तो अब देख सकते हैं कि हमारे पास हमारा जो मेंबर कंप्लीट हमारा स्ट्रक्चर है, इसमें मैं उस वक्त दिखा रहा हूँ किस तरह हमारे पास आगे काम करेगा। तो ये हमारे पास जो हम जिस साइट पे हम काम मतलब अभी मैं आपको इंसर्शन पॉइंट कमांड पे हम अप्लाई करेंगे, तो वो हमारे पास है लेफ्ट साइड ऑफ द मेंबर। ठीक है, लेफ्ट साइड ऑफ द मेंबर इस टॉप पे मैंने अभी अप्लाई कर लिया है। हमने जो है लेफ्ट साइड ऑफ द मेंबर पे काम कर रहे हैं, तो हमेशा याद रखें कि जब हम लेफ्ट साइड पे काम कर रहे हैं तो हमने राइट साइड में जाना है। ठीक है, राइट साइड की तरफ जाना है। यहाँ पर आप इस पोर्शन में चेक कर सकते हैं कि हमारे पास जो है ये वाला जो मेंबर है वो बाहर निकला हुआ है। तो आप देख लेंगे कि किस तरह हमारे पास जो है ये काम करेगा बाय सेलेक्टिंग द टॉप राइट। ये भी मैंने इस बीम के कॉलम को सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर हमारे पास टॉप राइट है और भी ये मैंने अप्लाई कर दिया है। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारे पास कंप्लीट यहाँ पर ये एज जो है वो एक यूनिफॉर्म उसमें आ गया है। कोई भी हमारे पास बाहर उसके पोर्शन जो है वो नहीं निकला हुआ, या भी हमारे पास जो उसके साथ जो एजेस मिले हुए हैं वो कंप्लीट हमारे पास एज तक के हुए हैं। ठीक है, तो इसको मैं क्या करता हूँ कि रिस्टोर फुल व्यू में और हमारे पास जो कॉलम थे सबको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, और उसके थ्रू अभी हमें सब पे अप्लाई करेंगे और आप लोग देख लेंगे कि हमारे पास जो हमारे कॉलम थे किस तरह जो है इंसर्शन पॉइंट कमांड के थ्रू किस तरह हम जो है उसको अप्लाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे पास चूंकि हम टॉप पहले दो पे अप्लाई किया हुआ है इस वाले इस साइड वाले साइड पे, और बाकी नीचे अप्लाई नहीं किया, तो यहाँ यहाँ पर हमारे पास मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ कि तो इसमें हमारे पास क्या है, मैं बंद कर दिया। ये हमारे पास ये अब देख सकते हैं कि हमारे पास किस तरह ये अभी ये पोर्शन हमारे पास रह चुका है। तो इस पोर्शन को किस तरह भी हम इंसर्शन पॉइंट कमांड के थ्रू काम करेंगे या देख लेंगे। ये भी मैंने सेलेक्ट कर दिया। तो अभी इस हमारे पास जो है हम लेफ्ट साइड में हमने उसको सेलेक्ट कर दिया है साइन फ्रेम, और उसके बाद है इंसर्शन पॉइंट टॉप राइट, और ये होंगे अप्लाई। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारे पास इस साइड के जितने भी हमारे पास कॉलम थे उस पे हमने इंसर्शन पॉइंट कमांड के थ्रू उसको उनके एजिस तक पहुंचा दिया है। ये आप लोग लेक्चर में भी देख लेंगे कि हमारे पास लेक्चर में हमारे पास देख सकते हैं कि नॉर्मली हमारे पास होता है इस तरह है। देखिए यहाँ से आप लोग देख सकते हैं किस तरह हमारे पास ये वाली हर जगह जो है वो खाली रह गई है, और हमने उसको किस तरह साइन करना है, हमने इसको इस तरह साइन करना है। तो इसको करने के लिए फिर हम जो है वो इंसर्शन पॉइंट की जो कमांड है वो अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो अगेन हम दूसरे साइड की तरफ आते हैं और दूसरे साइड की जो कॉलम है उसको हम जो है वो सेलेक्ट कर लेते हैं। सॉरी, तो हमारे पास अगेन जो है हमारे पास चूंकि कंट्रोल जेड की वजह से हमारे पास अगेन हमारे जो मेंबर थे वो यहाँ पर अगेन चला गया है, तो इसको अगेन मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। है, इस तरह हमारे पास जो दूसरे साइड पे हमारे कॉलम थे और इसके मैं जो है इंसर्शन जो कमांड था वो अप्लाई करता हूँ साइन फ्रेम, उसके बाद इंसर्शन पॉइंट टॉप राइट अप्लाई, तो ये हमारे पास हो गया। अभी हम आते हैं दूसरे साइड की तरफ और दूसरे साइड पर हम चेक करते हैं कि किस तरह हमारे पास जो है इंसर्शन पॉइंट का जो कमांड है वो किस तरह जो है वो काम करता है। तो हम आ जाते हैं साइन फ्रेम, और उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं इंसर्शन पॉइंट। यहाँ पर इस केस में हम क्या करते हैं कि टॉप लेफ्ट सेलेक्ट करते हैं और उसको अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ओके, सही है। तो
तो इस तरह हमारे पास जो हमारा क्या था, हमारे पास हमारे जो मेंबर थे, किस तरह उसने हमारे पास यहाँ पे काम किया था, किस तरह हमारे पास जो इंसर्शन पॉइंट कमांड के थ्रू उसको हमने जो है मटेरियल को उसको हमारे पास असाइन हो गए। इसमें ये हमारे पास जितने भी यहाँ पर मैं स्टेप कर रहा हूँ ये आपके पास आपके लेक्चर में भी है, तो काइंडली उसको भी आप लोग अच्छी तरह देख लें तो उसमें भी आपके पास आ जाएंगे, उसको भी आप लोग उसको स्टेप को फॉलो करें तो इस तरह से हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है कि हमने फाउंडेशन में हमारे पास जो सपोर्ट कंडीशन यहाँ पर अभी हम अप्लाई करेंगे वो हम फिक्स सपोर्ट अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह कमिंग क्लासेज में फिर जब हम फाउंडेशन को डिज़ाइन करेंगे उसमें सेप में, तो उसमें भी आप लोग देख लेंगे कि किस तरह हमारे पास जो है वो सेप में हम फाउंडेशन को किस तरह किस फॉर्म में साइन करते हैं। तो फॉर द टाइम आज की क्लास में हम इसको फिक्स सपोर्ट ही लेंगे, तो फिक्स सपोर्ट को साइन करने के लिए मैं इस फॉर्म में आ जाएगा। उसके बाद हम नीचे जाते हैं और हमारे पास जो ग्राउंड स्टोरी है उसकी तरफ आ जाते हैं जिसमें हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, जॉइंट्स को मैंने सेलेक्ट कर लिया है, उसके बाद साइन जॉइंट, और जॉइंट के बाद हमारे पास आ जाता है रिस्ट्रेंट। रिस्ट्रेंट में हम क्या करते हैं कि फिक्स सपोर्ट को हम सेलेक्ट करते हैं और उसको हम अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी हमारे पास क्या है, सीन है कि हमारे पास जो है मटेरियल असाइन हो गए, सपोर्ट कंडीशन जो है वो असाइन हो गई। इसके बाद हमारे पास स्टेप्स क्या है कि हमने लोड को असाइन करना है। ठीक है, लोड को असाइन करने से पहले हम आ जाते हैं, सबसे पहले डिफाइन करते हैं लोड पैटर्न को। ठीक है, तो लोड पैटर्न में हमेशा याद रखें कि लोड पैटर्न से क्या मुराद है कि हमारे स्ट्रक्चर पर कौन कौन से टाइप के लोड आएंगे। तो यहाँ पर हम मैं पहले इस लोड पैटर्न को कई दफा आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो यहाँ पर हम उसको डिफाइन करेंगे। तो डेट के बाद हमारे पास आ जाता है SSD। ठीक है, हमेशा याद रखें, और इसको हम कौन से लोड लेंगे, उसको हम डेड लोड ही लेंगे। ठीक है, तो हमेशा याद रखें कि सिर्फ SSD डेड के हमारे पास प्योर डेड लोड के अलावा मीन्स हमारे मेंबर का जो सेल्फ वेट अगर हमने उसको देना है तो यहाँ पर हम 1 लगाएंगे। उसके अलावा जितने भी हमारे पास लोड होगा, जितने भी हमारे पास लोड होंगे तो उसको हम जो हमारे पास सेल्फ वेट मल्टीप्लायर होगा वो हम 0 लगाएंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है लाइफ, और उसमें इस केस में हम उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। टाइप हमारे पास क्या है, लाइव लोड टाइप है, 0 है, और ये हमारे पास हो जाएगा 8 न्यू लोड में। ठीक है, तो हमारे पास जितने भी हमारे पास टाइप्स के लोड थे वो असाइन हो गए, ओके, वो डिफाइन हो गए सॉरी। उसके बाद हम उसको फिर असाइन भी करेंगे। ठीक है, लोड पैटर्न की बात है, लोड कैसे फीचर्ड है, और उसके बाद हम आ जाते हैं लोड कॉम्बिनेशन। आप लोगों ने RCD1 में और RCD2 में जितने भी आप लोगों ने पढ़ा है कि किस तरह हमारे पास 1.2 डेड लोड और 1.6 लाइव लोड, तो उसके लिए COMB1 हमने यहाँ पर उसको बाय डिफॉल्ट नाम है, तो डेड लोड को हम क्या कर देते हैं, स्केल फैक्टर उसको 1.2 रख देते हैं, 8। उसके बाद हम आ जाते हैं SSD में, उसका भी जो स्केल फैक्टर है जो कि वो डेड लोड में आता है तो वो भी हमारे पास आ जाएगा 8। वो हमारे पास 1.2, उसके लिए हमारे पास जो उसका सेल या जो हमारे पास मॉडिफिकेशन फैक्टर है वो 1.2 हम लगा लेंगे। थर्ड हमारे पास क्या लोकल लोड हमने डिफाइन किया वो है लाइव, और लाइव के लिए हमारे पास जो फैक्टर है वो है 1.6। तो लोड कॉम्बिनेशन हमारे पास क्या है कि 1.2 डेड प्लस SSD और 1.2 लाइव, सॉरी 1.6 लाइव। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया, हमारे जो लोड्स थे वो हमने उसको डिफाइन कर दिया। ठीक है, अब हम एक और कमांड की तरफ जाते हैं और हम देखते हैं कि हमारे पास जो ग्रुप कमांड की मैं बात कर रहा था, किस तरह हमारा ग्रुप कमांड जो है वो काम करता है। ठीक है, तो ग्रुप कमांड को उसके लिए सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जिन बीम्स या कॉलम को मैंने ग्रुप का नाम देना है तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसमें हम क्या काम करते हैं कि हमारे पास उसको जो हमारे एक्सट्रूड व्यू है करंटली उसको हम खत्म कर देते हैं यहाँ से, स्टैंडर्ड फिल ऑब्जेक्ट के लिए हम उसको अनचेक कर देते हैं और ओके करते हैं। अभी हम क्या करते हैं कि चूंकि अभी हम पार्टीशन वॉल में हमने लोड अप्लाई करना है ना,
तो पार्टीशन वॉल का लोड आ जाएगा हमारे पास इन बीम्स की तरफ, तो उसको जो है ना हमने उस पर पार्टीशन वॉल का लोड लगाना है। और वो हम लोड किस तरह लगाएंगे कि इन बीम को हम क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे और उनको एक ग्रुप का नाम दे देंगे कि हमारे पास है पार्टीशन वॉल ग्रुप, ठीक है। फिर जब उसको लोड को असाइन करेंगे ना, फिर हमने हर बीम को सेलेक्ट करना नहीं होगा, ठीक है। हम सेपरेट भी जो है उसको एट अ टाइम ग्रुप को लोड असाइन कर देंगे, जिसकी वजह से हमारे पास कंप्लीट इन बीम्स पर जो है वो लोड जो है वो आ जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हमारे पास हम जो है जो बीम्स हमने सेलेक्ट किए हुए हैं उसको हम जो है ग्रुप का नाम देते हैं, उसके बाद फिर हम लोड, ठीक है। तो अभी हमने बी उसको सेलेक्ट कर दिया है, तो अभी उसके बाद हम आ जाते हैं साइन में, साइन के बाद हम आ जाते हैं साइन टू ग्रुप, और यहाँ पर हम डिफाइन ग्रुप, एड न्यू ग्रुप, और ग्रुप वन में हमारे पास क्या आ जाएगा उसको हम कह रहे हैं कि ये हमारे पास है पार्टीशन वॉल। पार्टीशन के लिए हम बस पार्टीशन का नाम हमने दे दिया है, इस सब को हम अनचेक कर देते हैं, और हमारे पास सिर्फ सिलेक्शन के लिए इसको हमने सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद हमारे पास क्या है, स्ट्रक्चरल स्टेज है, ब्रिज रिस्पॉन्स आउटपुट है, इसकी हमारी जरूरत नहीं है, ऑटो बिल्ड पोस्ट आउटपुट है, इसकी जरूरत नहीं है, मास एंड वेट आउटपुट है, इसको भी सिलेक्ट कर लें, सेक्शन का डिफिनेशन है इसका। अगर हमने सिर्फ सिलेक्शन के लिए यूज करना है ना, तो उस केस में सिर्फ हम फिर सिलेक्शन का ही टूल यूज जो है बॉक्स जो है वो उसको चेक रखेंगे, उसको टिक करेंगे, अदरवाइज सब को हम अनचेक कर देंगे, ठीक है। ओके सही है, इस तरह हमारे पास जो है वो ग्रुप जो है वो अप्लाई हो गया। हमारे पास जो ग्रुप था वो उसको हमने एक नाम दे दिया कि हमारे पास जितने भी हमारे पार्टीशन वॉल है उसको हमने एक पार्टीशन का ग्रुप का नाम दे दिया। राइट, तो अभी हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो हमारे ग्रुप था, अभी हम जो ग्रुप कमांड मैंने आपको बताया था कि किस तरह पे हम उसको यूज करेंगे, तो सबसे पहले ग्रुप का जो ऑप्शन है, जो ग्रुप का जो कमांड है उसको हम यूज करते हैं कि किस तरह हम उसको सिलेक्शन के लिए यूज करते हैं, तो उसके बाद हम फिर उस पर लोड अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे कि हमारे पास जितने भी अपने भी अभी हमने बीम को जो है सेलेक्ट किया था, उसको हमने ग्रुप का नाम दिया था, तो उसको हम किस तरह सेलेक्ट करेंगे कि हमारे पास सेलेक्शन सेलेक्ट, उसके बाद सेलेक्ट, उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं और ये हमारे पास है ग्रुप सेलेक्ट, उसके बाद सेलेक्ट, और उसके बाद हम आ जाते हैं ग्रुप्स में। उसके बाद हमारे पास जो जो कि हमने ग्रुप डिफाइन पहले से ही डिफाइन किया था और वो हमारे पास था पार्टीशन का, तो ये हमारे पास आ जाएगा सेलेक्शन के ग्रुप पार्टीशन हमने सेलेक्ट कर दिया। इसके बाद हमारे पास जो बीम्स थे वो हमारे पास सेलेक्ट हो गए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास हमारा आसान है कि साइन में आ गए, साइन में फ्रेम, फ्रेम में हमारे पास आ जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड लोड में, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारे पास जो हमारा स्ट्रक्चर में पार्टीशन वॉल का लोड है वो है 1 की पर फीट, ठीक है। तो इसकी वजह से अभी हम क्या लगाते हैं कि 1 की पर फीट का लोड लगा लेते हैं वन, और उसको हम अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अभी हमारे पास इसमें शो नहीं हो रहा, अभी हम डिस्प्ले भी कर लेंगे कि हमारे पास जो 1 की पर फीट, 1 की पर फीट का लोड था वो हमने इसको असाइन कर दिया। यहाँ से अभी हम इसको देख भी सकते हैं कि इस बीम पर हमारे पास कितना लोड है, तो राइट क्लिक, उसके बाद सेलेक्ट, और ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास 180 एंड 112, मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड 1 की पर फीट का लोड है, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारे पास हमारे बीम्स पर पार्टीशन वॉल का जो लोड था वो भी हमने सप्लाई कर दिया। उसके बाद हमारे पास क्या स्टेप है कि हमने जो स्लैब और स्लैब पर हमने SSD और जो लाइव लोड है वो हमने अप्लाई करना है, ठीक है। तो आपको पता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हमारे पास जो लाइव लोड हमने यहाँ पर यूज किया वो है 70 PSF। तो अभी हम किस तरह अप्लाई करते हैं, यहाँ पर आप लोग देख लेंगे, साइन एरिया लोड
और उसमें हम आ जाते हैं इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ पर किप पर फीट स्क्वायर है और यहाँ पर हमारे पास कितना है, वो है 70 PSF है, वो पौंड पर स्क्वायर फीट है। ठीक है, तो हमारे पास अगर हम केसेफ में उसको कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.7। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये हमारे पास कौन सा लोड आ रहा है, ये हमारे पास है लाइव लोड। लोड पैटर्न आपको पता होना चाहिए कि लोड पैटर्न क्या है, और ये आप लोगों ने जरूर सेलेक्ट करना है क्योंकि ऑलरेडी हम उसको लोड कॉम्बिनेशन में उसको हम जो है वो असाइन कर चुके हैं। ठीक है, तो अप्लाई, तो वो हमारे पास उसमें सेलेक्ट जो है ना लोड जो हमारे पास था वो भी हमारे पास उसमें अप्लाई हो गया। ठीक है, अब ये प्रीवियस सिलेक्शन से क्या मुराद है कि इससे पहले जो मैंने सेलेक्ट किया था, अगर इस पॉइंट पे हम क्लिक करेंगे ना तो अगेन ये उसको सेलेक्ट कर देगा। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास क्या आ जाएगा, लाइव लोड की बजाय हम SSD सेलेक्ट कर लेंगे और SSD की जो वैल्यू है सुपरइम्पोज डेड लोड वो हमारे पास है 50 PSF। तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे जो है वो 50 PSF हमारे पास जो कि 0.07 हमने अप्लाई करना चाहिए था, इसको हम 0.07 कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास 70 PSF को अगर हमने कन्वर्ट करना है ना तो हमारे पास 0.07 में आ जाएगा। तो लाइव और अप्लाई, ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये हमारे पास आ गया लोड। उसके बाद मैं अगेन प्रीवियस सिलेक्शन में चला गया, प्रीवियस सिलेक्शन उसमें हो गई लोड पैटर्न की, इस केस में हमने क्या कर दिया, SSD हमने सेलेक्ट कर दिया और वो हमारे पास है 0.05। यहाँ पर हमने इसको अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास जो डिफरेंट टाइप्स के लोड से वो भी हम असाइन कर चुके हैं, सपोर्ट कंडीशन हम असाइन कर चुके हैं, मटेरियल हम असाइन कर चुके हैं, सेक्शन हम असाइन कर चुके हैं, तो ऑलमोस्ट हमारा जो मेंबर है वो है कंप्लीट हो गया है। अब उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो स्टेप है इन केस ऑफ बिल्डिंग मॉडलिंग बिल्डिंग एनालिसिस वो हमारे पास है मैशिंग का। हमेशा याद रखिए कि जब भी हम बिल्डिंग के एनालिसिस करेंगे मॉडलिंग करेंगे तो उसमें हमारे पास जो एरिया एलिमेंट्स होंगे वो हमारे पास स्लैब हो सकते हैं, वो हमारे पास पार्टीशन वॉल अगर हमने उसको डिफाइन किया हुआ है वो हो सकते हैं, वो हमारे पास जो है वो राफ्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो इन सब की हमने क्या करना होगा, मैशिंग करना होगा। मैशिंग यही हमारे पास जो सॉफ्टवेयर है फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस सॉफ्टवेयर, इसका फायदा है कि मैशिंग मैश के थ्रू हम क्या करते हैं कि हमारे पास उसको स्मॉल जो है वो सेक्शन में स्मॉल पार्ट्स में डिफाइन कर लेते हैं, उसको डिवाइड कर लेते हैं, तो वो हमारे पास स्मॉलेस्ट साइज मतलब जो है वो उसके थ्रू उसका जो बिहेवियर है वो हम इतना क्लोजेस्ट उसको मतलब पॉइंट बाय पॉइंट उसको देख लेते हैं कि हमारे पास वो कंप्लीट जो है उसका ओवरऑल जो एक्चुअल बिहेवियर है उसकी तरह उसको हम मॉडल कर लेते हैं। ठीक है, तो मैश हम क्यों करते हैं कि हमारे पास जो हमारे रिजल्ट्स हैं वो हमारे पास एक्यूरेट आ जाए। सही है, तो मैशिंग के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हमारे पास जितने भी हमारे स्लैब्स हैं जितने भी हमारे पास एरिया एलिमेंट्स हैं उसको हमने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद एडिट में आ गए, एडिट में बाद एडिट एरियस की बात है डिफाइंड, सबसे पहले सिलेक्शन उसके बाद एडिट एरियस और उसके बाद है डिफाइंड। ठीक है, इन सेलेक्शन का एक और भी तरीका है कि हम किस तरह करेंगे कि हम सेलेक्ट में आ गए, सेलेक्ट के बाद अगेन सेलेक्ट और यहाँ पर हम आ गए हैं प्रॉपर्टीज में। प्रॉपर्टीज में हमारे पास क्या है कि हमने यहाँ पे एरिया सेक्शन को सेलेक्ट कर दिया और उसके बाद है स्लैब और उसके बाद हमने सेलेक्ट का बटन दबा दिया जिसकी वजह से हमारे पास जितने भी हमारे स्लैब्स थे वो हमने सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, तो मुख्तलिफ तरीके हैं जिसके थ्रू हम अपने डिफरेंट मेंबर को डिफरेंट सेक्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद एडिट में आ गए, एडिट एरियस और डिफाइंड एरियस। तो हमेशा याद रखें कि यहाँ पर जब हम उसको क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे तो हमेशा याद रखें कि उसको हम 36x36 डिफरेंट स्मॉलेस्ट एरियाज में उसको डिवाइड करेंगे। इसका सबसे इम्पोर्टेंट फायदा ये है, अब बात यह है कि जितना भी हमारे पास मैश का साइज स्मॉल होगा
इतना ही हमारे पास जो हमारे एनालिसिस होंगे वो एक्यूरेट होंगे। लेकिन 36 का ये हमने क्यों यूज किया हुआ है कि हमें ये हमारे पास रिसर्च फिर से प्रूव हुआ हुआ है कि हमारे पास जो जब हम 36 में उसको करते हैं, अगर जो हमारे पास 36 की वजह से जो रिजल्ट आते हैं या उसको हम 50/50 से जो रिजल्ट आते हैं तो उसमें कोई फर्क नहीं होता। अगर हम ज्यादा से करेंगे तो हमारे पास मैशिंग में टाइम लेगा, हमारे एनालिसिस में टाइम लेगा। तो इस वजह से हमारे पास 36 एक ऑप्टिमम पॉइंट है, एक ऐसा यूनिक पॉइंट है कि जिस पर हमारे पास जो हमारे रिजल्ट्स है वो एक्यूरेट आ जाते हैं एज कंपेयर टू हमारे पास अगर हम उसको ज्यादा से करेंगे तो रिजल्ट्स तो मतलब एक्यूरेट उसी तरह आएंगे जिस तरह 36 पे आए, लेकिन उस केस में हमारे पास जो रिजल्ट्स एनालिसिस होगा वो ज्यादा टाइम लेगा। तो अप्लाई कर दिया यहाँ पर हमने, ठीक है, तो अभी थोड़ा टाइम ले लिया है, उसके बाद हमने ओके कर दिया। ठीक है, तो अभी ये मैं यहाँ पर इसको दिखा देता हूँ, हमारे पास किस तरह है कि हमारे पास एक्स जेड में तो नहीं है, एक्स वाई में चेक कर लें, एक्स वाई में हम ऊपर जाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास कि हमारे पास क्या है कि हमारे जो एरिया था किस तरह उसने जो है उसको जो था उसको मुख्तलिफ एरियाज में स्मॉलेस्ट एरियाज में उसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, मतलब पर स्क्वायर फीट हमारे पास 36 पार्ट थे, तो इस वजह से हमारे पास जो है वो हमारे जो रिजल्ट थे वो हमारे पास और जो है वो एक्यूरेट आ गए। ठीक है, अब हमारे पास सब चीजें जो है इस मॉडल हमारा कंप्लीट है। अब हमारा जो मेन स्टेप है कि हमने एनालिसिस को रन करना है और उसके बाद हमने सेक्शन को जो है वो मॉडल करना है। ठीक है, इसको डिजाइन करना है अपनी बिल्डिंग को। ठीक है, तो उसके बाद हम अब आ जाते हैं एनालिसिस रन एनालिसिस की तरफ, रन नाउ। तो अभी थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि हमारे पास अभी कंप्लीट बिल्डिंग है, फ्रेम के केस में तो उसने बहुत जल्दी ले लिया है तो वो उसको सॉल्व कर लेता है। अभी केस में हम क्या करेंगे कि हम उसको ये थोड़ा उसमें हो जाएगा, थोड़ा टाइम ले लेगा, उसके बाद हमारे पास जो रिजल्ट्स हैं अंडर द एप्लीकेशन ऑफ लोड हमारे पास फ्रेम किस तरह बिहेव कर रहा है, सपोर्ट कंडीशंस क्या आ रही हैं, आप देख सकते हैं कि आपके पास जो डिफरेंट मैथड अप्लाई कर लेगा, स्टिफनेस मैथड है इस पर अप्लाई कर लेगा और आपके पास आपके रिजल्ट आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये इनडिटर्मिनेट बिल्डिंग जो फ्रेम टाइप है तो इस वजह से ये हमारे पास जो है वो आप लोग जो स्टिफनेस मेथड आप लोग पढ़ रहे हैं ये उस पे उसके बेस पे हमारे पास बना हुआ है। तो एनालिसिस उसने रन कर लिया है और एनालिसिस के बाद हमारे पास हम एक और काम क्या करते हैं कि हम डिजाइन की तरफ आ जाते हैं। हमेशा याद रखें कि हम जब एनालिसिस रन हो जाए हमारे पास हम ये चेक करना है कि अंडर द एप्लीकेशन ऑफ लोड हमारे कुछ मेंबर फेल है या नहीं है। ठीक है, तो इसमें हम आ जाते हैं और स्टार्ट डिजाइन एंड चेक ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हम पाउंड्स इंच में जा जाते हैं हमारे पास एरिया ऑफ स्टील को देखने के लिए। Verify all member parts, all concrete member parts, the stress or capacity check on the design. मतलब क्या है कि हमारे पास कोई भी इस केस में हमारे पास कोई भी मेंबर जो है वो फेल्ड नहीं हुआ। यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट जो कॉलम्स है उसमें भी आप लोग जो है एक्सेल में जाते हैं और उसमें भी आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास जो है किस तरह हमारे पास जो हमारे कॉलम है किस तरह वो डिजाइन हुए हुए हैं, किस तरह वो एरिया ऑफ स्टील हमारे पास कितना आया हुआ है, तो वो भी यहाँ से हम जो है वो चेक कर सकते हैं। तो ये हमारे पास 2.16 इंच स्क्वायर का एरिया आ गया है। बीम में भी हमारे पास डिफरेंट पोर्शन में हमारे पास एरिया ऑफ स्टील आ गया है, स्लैब्स और कॉलम है। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास एक कंप्लीट प्रोसीजर था कि जिसके थ्रू हमने अपने बीम्स कॉलम्स हमारी कंप्लीट बिल्डिंग को जो है वो एनालाइज कर लिया, उसको डिजाइन कर दिया। If you have any question, kindly अपने साथ नोट कर लें जिस पॉइंट पे अब आपको मसला होगा, तो इंशाल्लाह उसके बाद जब हम टास्क लेंगे तो उसमें आप लोग मुझे बता दें अगेन, तो उसके बाद हम उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है,
बहुत शुक्रिया, थैंक यू।